अगर आप बिहार स्टेट मदरसा बोर्ड से 2023 में फोकानिया मौलवी करना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन जो शुरू हो चुका है, यानी कि फॉर्म भराई कर सकते हैं या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि मदरसा बोर्ड में सभी एक ही साथ हो जाता है, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुका है। सेशन 21-22 में आप 22 में एग्जाम दे सकते हैं अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी फिलअप करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फोकानिया और मौलवी का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने की क्या प्रक्रिया होने वाली, कैसे क्या करना हो, पूरी चीज हम आपको बिहार स्टेट मदरसा बोर्ड से फोकानिया मौलवी 2023 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में विस्तृत जानकारी आपको देने वाला। इसलिए हमेशा की तरह गुजारिश करेंगे, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इस तरह की नॉलेजफुल जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए समय नहीं गवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं और बिहार में फोकानिया मौलवी का रजिस्ट्रेशन करने के बारे में वीडियो शुरू करते हैं। उसके लिए आपको किसी ब्राउजर में जाना है और लिखना है बिहार स्टेट मदरसा बोर्ड। वेबसाइट ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा और सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करने की इसी वेबसाइट पर आएंगे, नीचे यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है। अगर आप फोकानिया के लिए करना चाहते हैं तो फोकानिया कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2023 और मौलवी के लिए करना चाहते हैं मौलवी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2023। ये दोनों फॉर्म का लिंक आपको, दोनों फॉर्म का पीडीएफ जो है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। यहां से आप चाहे तो यहां से डायरेक्ट पीआरपी पे क्लिक करके ये फोकानिया का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ये फोकानिया का हो गया जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और मौलवी करना चाहते हैं तो मौलवी कैंडिडेट पे क्लिक करके मौलवी का फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मौलवी का फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है और ये डाउनलोड आप बड़ी आसानी से हमारे टेलीग्राम से कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम पे भी ये दोनों का पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे दोनों का जो फॉर्म है, फॉर्मेट है, सब चीज़ सेम है और सेम डाटा दोनों में मंगा गया है। यहाँ पे फोकानिया है, यहाँ मौलवी है। जिसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उस फॉर्म को प्रिंट आउट करेंगे और पहले हम आपको फिलअप करने की पूरी प्रक्रिया बता देते किस तरह प्रिंट आउट करने के बाद फिलअप करेंगे, ताकि आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बदला इतना तक सहूलियत मिले कि आपको फॉर्म भरने में भी कहीं कठिनाई ना हो। तो चलिए सबसे पहले फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको प्रिंट आउट निकाल के यहाँ पे एक पासवर्ड चाहिए, फोटो लगा देना है और फोटो के नीचे यहाँ पे जो बॉक्स है इस बॉक्स में स्टूडेंट का सिग्नेचर करवा लेना है। उसके बाद नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको कुछ नहीं भरना है, फॉर ऑफिस यूज ओनली मदरसा वाले कॉलम 1 से 5 तक भरेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद 6 नंबर कॉलम से स्टूडेंट फिलअप करेंगे, यहाँ पे अंग्रेजी में कैपिटल यानी कि अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर में लिखेंगे, सभी कैपिटल लेटर में 6 नंबर में स्टूडेंट का फुल नेम अंग्रेजी में लिखेंगे, 7 में मदर्स का फुल नेम अंग्रेजी में यहाँ पे लिखेंगे, 8 में फादर्स का फुल नेम अंग्रेजी में लिखेंगे, 9th में स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, 10th में जेंडर सेलेक्ट कर टिक मार्क लगाएंगे मेल में या फीमेल जो भी है, 11th में आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट देना है, जनरल है, ओबीसी एसटी जो भी है उसके सामने वाले बॉक्स में इस तरह टिक मार्क लगाएंगे, यहाँ पे दिया गया नमूना इस तरह टिक मार्क लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 12th में अगर दिव्यांग है, विकलांग वगैरह है तो यस या नो कर सकते हैं, अगर आप यस मारते हैं तो किस टाइप के विकलांग है यहाँ पे वो आप लिखेंगे। उसके बाद 13 नंबर में रिलीजन, आप कौन से धर्म से आते हैं, हिंदू मुस्लिम जिसमें भी आते हैं उस बॉक्स में टिक मार्क लगाएंगे। 14 नंबर में आप रूरल एरिया से या अर्बन से यानी कि शहरी क्षेत्र से या ग्रामीण से, रूरल से है यानी ग्रामीण से है तो रूरल, अगर शहरी से तो अर्बन में टिक मार्क लगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 15 में मैरिड स्टूडेंट मैरिड है तो आप मैरिड में टिक मार्क करेंगे, अनमैरिड अनमैरिड में। 16 नंबर में यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना है जो अनिवार्य है। 17 में अपना आधार नंबर यहाँ पे लिखना है, पूरा आधार नंबर। 18 में यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखना है। उसके बाद 19 में आपको पूरा एड्रेस लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, एरिया पिन कोड लिखना है। उसके बाद 20 में आपको बैंक अकाउंट का खाता नंबर यहाँ पे लिखना है। 21 में आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड लिखना है। 22 में आपको कौन से बैंक का अकाउंट आप लगा रहे हैं उस बैंक अकाउंट का बैंक का नाम लिखना है। 23 में आप कौन कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उस सभी सब्जेक्ट में टिक मार्क लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको स्टूडेंट का सिग्नेचर करवा लेंगे, हिंदी या उर्दू में जिसमें भी स्टूडेंट करना चाहे कोई एक सिग्नेचर हिंदी या उर्दू में करवा लेंगे, और इसमें स्टूडेंट का अंग्रेजी में सिग्नेचर करवा लेंगे, और इस वाले बॉक्स में स्टूडेंट का पेरेंट मदर फादर या गार्जियन के सिग्नेचर करवा लेंगे, इसमें मदरसा वाले करेंगे। ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको अपना फोटो लगाने के बाद आधार कार्ड और बैंक पासबुक इसके साथ लगा देना है। आपको लगाने के बाद आपको क्या करना है वो हम आपको आगे बताते हैं। उसके लिए आपको बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पे आएंगे
और यहाँ पे मदरसा डैशबोर्ड है, सिंपली से मदरसा डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। मदरसा डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बताया गया ऑनलाइन फोकानिया एवं मौलवी रजिस्ट्रेशन एवं प्राइवेट परमिशन 2023 पोर्टल 5 सितंबर 2022 से 30 सितंबर 2022 तक खुला रहेगा। यानी कि 5/9/22 से 30/9/22 तक आप फोकानिया मौलवी का जो पोर्टल है वो 23 का जो खुला रहेगा, तो आप 30 सितंबर से पहले फोकानिया मौलवी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिन छात्रों का रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका उन्हें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे और बताया गया मदरसा के लिए कि फोकानिया मौलवी स्टूडेंट के लिए जो बताया गया है कि अगर आप एक बार पेमेंट मदरसा में जमा कर देते हैं तो वो पेमेंट आपको वापस नहीं किया जाएगा। तो ये तो आपको बता दें मतलब कि डेट कब से कब तक है, पेमेंट जमा होने के बाद रिटर्न नहीं होगा, फॉर्म भरने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो बता दिए। अब ये फॉर्म के साथ जो फॉर्म मैंने आपको बताया, ये फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट के साथ आपको मदरसा देना, जो भी मदरसा में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ वो मदरसा वाले अपनी यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल के लॉगिन करके आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, मदरसा वाले अपना आईडी पासवर्ड से करेंगे, ये ऑनलाइन ही होगा लेकिन मदरसा वाले ऑनलाइन करेंगे, स्टूडेंट खुद से ऑनलाइन नहीं कर सकते। स्टूडेंट ये फॉर्म फिलअप करके डॉक्यूमेंट लगा कर पेमेंट के साथ मदरसा में जमा करेंगे, मदरसा वाले 30 सितंबर से पहले इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसका जो है सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा वो, और 2023 में वो एग्ज़ाम दे सकते। तो यही था प्रक्रिया, आप फॉर्म फिलअप करके मदरसा में जमा करें तो आपका जो फॉर्म भरा है यानी कि रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के रिजल्ट के बारे में वो हम अपडेट सारी अपडेट इस चैनल पे देते रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे नॉलेजफुल जानकारी के साथ, और मैं आपको अंतिम में बता दूँ इसका जो चार्ज है आपको 1000 रुपये से 1500 रुपये तक चार्ज लिया जाएगा मदरसा में। ठीक है, डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया, फॉर्म बता दिया कहाँ जमा करना है और पेमेंट भी बता दिया, 1000 से 1500 के बीच में आपसे चार्ज लिया जाएगा और ये चार्ज आप पेमेंट देने के बाद वापस नहीं होगा, ये 30 सितंबर तक कर सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे सारी चीज़ आप वीडियो में अच्छे से समझ गए, तो उम्मीद करेंगे वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की नॉलेज को जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे।